दोस्तों मैं अनंत और आते हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवी ब्लॉग। दोस्तों बता दूं मैं आपकी जो आपकी फर्स्ट न्यूज की बात करूं तो इन्हें जो आप पहचान ही रहे होंगे भुवन सर, इनको जो कैरेक्टर है टिटू मामा, जो पार्ट ढिंढोरा के पार्ट 3 में जो इनका जो एपिसोड आया है उनके जो टिटू मामा का लास्ट सीन देकर छोड़ा गया है वो क्या कहें, तो उनकी वजह से जो है वो सीन से टिटू मामा ग्लोबली गिफी पे ट्रेंडिंग कर रहे हैं, उनको जो स्टिकर्स हैं वो ट्रेंडिंग कर रहे हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे बताएं उनकी स्टिकर्स यूज करते हैं। तो दूसरी न्यूज़ की बात करें तो सॉरी ये तो ऐड हो जाएगी किसी चीज़ की, तो दूसरी न्यूज़ की बात करें तो ये जो हनी सिंह ये हमारे ये जो पाजी उनका एक सॉन्ग आने वाला है जबरदस्त थी जो भूमि दिलवाला के साथ में दोनों के साथ में जो रैप कॉम्बिनेशन होगा वो हम लोग पहले उसका ऐसा सॉन्ग देख चुका है भूमि दिलवाला और योगी हनी सिंह का, फिर ये भी गाना तो आग ही होगी, फायर मचा के जाएगी जैसे शोर मचा के गई थी ना ये गाना, फायर मचा के जाएगी। तो इसके हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल, तो जो टाइटल रखा गया वो बूम बूम रखा गया, तो ये इस नवंबर में 3rd वीक तक आ जाएगी। तो चलते हैं तीसरी न्यूज की तरफ, 3rd न्यूज बात करें तो सूर्यवंशी से आ रही है, सूर्यवंशी में जो गाना होगा एक पार्टी सॉन्ग जो धमाल मचा के जाएगी, टिप टिप बरसा, अब पता नहीं ये लोग इसका नाम क्या रखेंगे, टिप टिप बरसा 2.0 या टिप टिप बरसा 2, क्योंकि ये तो रीमेक है इसे रिक्रिएट किया जा रहा है, और पता नहीं हमारे बॉलीवुड वाले को क्या हो गया है, एक तो उधर मन्नत में हमारे जो RNG उनको वो तो अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं, वो वेल हो क्या है पता नहीं उन्होंने कौन सा महान काम किया उसके लिए ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं, और इधर ये टिप टिप बरसा 2 समझ नहीं आ रहा है, पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं मैं इस दुनिया से, मैं इंडस्ट्री से, बॉलीवुड का नाम तो बॉलीवुड से हटा के रीमेक वुड रख देना चाहिए। तो चौथी न्यूज की बात करें, चौथी न्यूज एक इंटरेस्टिंग है, ऑस्कर के लिए विकी सरकार उधम सिंह विकी कौशल की जो मूवी थी उसे भेजा गया था, पर उसे हमारे इंडियन ज्यूरी ने ही उसे रिजेक्ट कर दिया और कहा कि टू मच हेटेड फॉर ब्रिटिश, ये कोई पता नहीं क्या चल रहा है हमारे बॉलीवुड में। और जाते जाते ये कह दूँ मैंने डीबुक की उसकी रिव्यू नहीं दी थी, मगर मैं इतना ही कह सकूँ अगर जिन्होंने देख लिया तो उन्होंने तो अब उन्हें तो भगवान ही बचाए, मगर दूसरी बात जिन्होंने नहीं देखा थैंक गॉड वो अपना आपको किसी और मूवी पे टाइम लगाएं या किसी और चीज़ पे लगाएं और डीबुक ना देखें, क्योंकि ये फिल्म तो डीबुक ये डूब गई, ये इस फिल्म में तो मैं क्या कहूँ, ये तो हॉरर के नाम में कुछ है ही नहीं। और जाते जाते कहूँगा ये दिवाली सिर्फ हमारे शाहरुख खान जी के लिए बढ़िया है, और हाँ जाते जाते भाई का गाना आ रहा है सुना होगा ना, म्यूजिक भाई भाई का बर्थडे देखना जरूर ना भूलना। तो जाते जाते यही कहूँगा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ये भूले ना।